Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेन टेक यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो पे अपन बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन का। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि सर एथिकल हैकिंग तो सीख लूंगा मैं, मुझे बहुत पैशन है, लेकिन उससे पहले आना क्या क्या चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं लेकिन बहुत सारे लोग पूछते भी नहीं है। मतलब डायरेक्ट ऐसे हो जाता है कि पैदा हुए और हैकिंग सीखना चालू कर दिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा मतलब क्रेज़ होता है और लॉन्गिंग होती है, क्या बोलूँ मैं, अर्ज होता है कि मतलब जितने सारे सिनोनिम्स होंगे वो सारे बोल लो, इतना ज़्यादा मतलब इच्छा है कि हैकिंग पढ़नी है, लेकिन एकदम पैदा हुए और शुरू चालू कर दिया। ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी अनप्रोफेशनल वे होता है। आप कुछ नहीं, मतलब कुछ आएगा ही नहीं आपको, फिर बोलोगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, डीमोटिवेट हो गया, छोड़ दिया। ऐसे लोग छोड़ देते हैं, फिर ऐसा करना ही नहीं है ना। तो क्या करना है उसके पहले क्या क्या आना चाहिए। हैकिंग सीखना अलग चीज़ है, उसके पहले जो हाउसकीपिंग है या जो प्री-रिक्विजिट्स है वो सब आपको करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से हैकिंग सीख पाओगे प्रोफेशनली। तो आइए उसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये चीज़ मैं पहले बता देता हूँ कि जो भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा वो सारे मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। ये गाइडलाइंस जो मैंने दूसरों से पढ़ी है, जो इस फील्ड में इस एक्सपीरियंस के साथ मैं लेकर चलता हूँ, उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो फिर आप चाहे फॉलो करो ना करो, लेकिन फॉलो करोगे तो ही आपको फ़ायदा हो पाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि एक्चुअल में सबसे बेसिक चीज़ जो होती है सीखना, ऐसा नहीं है कि आप एकदम मतलब फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर साइंस में कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, फिर भी आपको एकदम अचानक से इंटरेस्ट आ गया कि मेरे को हैकिंग में करियर बनाना है। हालांकि ये बहुत इररिलेवेंट है, काफ़ी इलॉजिकल है ऐसे अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो, लेकिन फिर भी अगर ऐसे आ रहा है आपको तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, चाहे आपको कंप्यूटर आता हो चाहे ना आता हो, आपको उसके बेसिक सीखने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिक से मेरा मतलब ये है कि एकदम बेसिक, मतलब आपको की प्रेस करना आना चाहिए, आपको मतलब कमांड प्रेस करना आना चाहिए, आपको नेविगेट करना आना चाहिए, आपको माउस चलाना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आइकन्स पे कैसे क्लिक करें, कोई प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, डेस्कटॉप कैसे दिखता है, और सारे जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी होता है कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे हार्डवेयर जो है हमारे पेरिफेरल सारे डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, सीपीयू, जो भी है आपके पास, उन सब के बारे में नॉलेज की क्या काम करते हैं। फिर सॉफ्टवेयर आ गया, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, सेटिंग कैसे चेंज करनी पड़ती है, कैसे रिस्टार्ट होता है, कैसे बायोस वगैरह क्या होता है, ये सब बहुत ही मजाकिया और बहुत ही इलॉजिकल मतलब बच्चों वाली चीज़ लग रही होगी, लेकिन ये ज़रूरी है। चाहे लगे लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आना चाहिए आपको। अगर आपको नॉलेज है ही नहीं, अगर आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है, तो आप हैकिंग कहाँ से कर पाओगे, किसको हैक करोगे, किससे हैक करोगे, बेटर होगे आप। तो बस यही है, आना चाहिए। और सिर्फ इतना नहीं, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, विंडोज़ के बारे में, लिनक्स के बारे में, विंडोज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कैसे इसका स्ट्रक्चर काम करता है, मतलब फाइल सिस्टम्स, कैसे फाइल सिस्टम है विंडोज़ का, लिनक्स का, सबका। मतलब विंडोज़ की बात करो तो विंडोज़ में आप करते हो, चाहे आप अटैक करो विंडोज़ में, चाहे आप उसको विक्टिम बनाओ, कुछ भी करो, विंडोज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विंडोज़ में भी आप हैकिंग कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यूज़र के प्रिविलेज लेवल्स, कर्नल, शेल, ये सब में कम्युनिकेशन कैसे होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, OS के क्या कंसेप्ट्स हैं, और क्या क्या मतलब हार्ड डिस्क में कैसे डेटा स्टोर होती है, कैसे पेनड्राइव में स्टोर होती है, फाइल सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, रैम वगैरह, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेसिक लेवल पे, कैसे ओवरऑल काम होता है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्लियर करो, इनपुट आउटपुट के बारे में क्लियर करो, एकदम थरो होके आ जाओ कि कंप्यूटर सिस्टम्स का एक स्केलेटन कैसे काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। आप ये सब सीख गए हो, उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इंटरनेट के बारे में पता करना है। बेसिकली इंटरनेट की बात करूँ तो मैं ओवरऑल नेटवर्किंग आपको पढ़ना है, और मैं बता दूँ नेटवर्किंग सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हैकिंग में। अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आती, अगर आपको पता नहीं है डिवाइसेस कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे इंटरनेट यूज़ होता है, कैसे काम करता है, तो आप हैकिंग में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है। हैकिंग में मत जाना बिना नेटवर्किंग सीखे, बिल्कुल मत जाना, डिसअपॉइंट हो जाओगे।
तो नेटवर्किंग मतलब क्या होता है यार, बेसिकली दो तीन कंप्यूटर्स को हम लोग जोड़ते रहे। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप खुद को हैक करोगे, एक सिस्टम पे बैठे हो, एकदम क्लोज्ड सिस्टम है वो, एक सिस्टम पे बैठ के आप खुद को ही हैक कर रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। आप दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हो जाओगे ना, आपको कनेक्ट करना है, आपको पेनिट्रेट करना है दूसरे के सिस्टम पे, आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, आपको हैक करना है, आपको सिक्योरिटी टेस्टिंग करनी है, सिक्योरिटी असेसमेंट करना है, किसके सिस्टम पे, अपने कंपनी के एनवायरमेंट में या किसी इंडिविजुअल में, या कोई टारगेट होगा आपका ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, चाहे वो रिमोट हो चाहे लोकल हो, अगर लोकल नेटवर्क पे हो तो भी तो वो एक अलग सिस्टम है ना, तो उसको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा नेटवर्क में। तो नेटवर्क की बात आ गई तो नेटवर्किंग आना ही चाहिए, ये कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ मैं, ये प्री रिक्विजिट बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो नेटवर्किंग में मैं ये नहीं बोलता फिर से कि आपको फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ना है, ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या पढ़ना है, आपको एप्लीकेशन लेयर पर ध्यान देना है, आपकी जो लेयर 5 है या लेयर 7 है, मतलब नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर का भी थोड़ा पार्ट, वहाँ से लेके एप्लीकेशन लेयर तक पूरा पढ़ना है, सारे प्रोटोकॉल्स एप्लीकेशन लेयर के, FTP, SMTP, HTTP, SSH जो भी है यहाँ पे, वो सब कुछ अच्छे से पढ़ने, क्या कैसे काम होता है। डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस आती है तो उसके बारे में भी पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एकदम कोर नेटवर्किंग में घुस रहे हो, जैसे अलोहा, CSMA/CD, पॉइंट टू पॉइंट, ईथरनेट, फ्रेम रिले, ATM, ये सब में टोकन रिंग, ये सब में नहीं जाना है। ये सब कोर नेटवर्किंग जो पढ़ते हैं ना, उन लोग के लिए होता है जो एकदम नेटवर्किंग में घुसना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये सब नहीं पढ़ना है अपन को। अपन को अप्लाई करना है उन चीज़ों को, नेटवर्किंग कंसेप्ट को, तो आपको कंसेप्ट पढ़ना है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो आप, ये नेटवर्किंग होती है, इंटरनेट कैसे काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं लोग, मतलब जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो कैसे स्टैब्लिश होती है, TCP UDP क्या होता है, ये पूरा नेटवर्किंग, ओवरऑल नेटवर्किंग, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट आपको पढ़ना है, सूट आपको पढ़ना है अच्छे से, एकदम थरो होके पढ़ना है। कोई आप यहाँ पर चांस नहीं ले सकते हो कि आप कुछ छोड़ दे रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो। अगर मैं रेकमेंड करूँ आपको, अगर आपको सेल्फ स्टडी में उतना भरोसा नहीं है कि आप खुद से पढ़ पा रही रहे हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोई सर्टिफिकेशन कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आप CCNA के सर्टिफिकेशन कर सकते हो, या COMTIA का नेटवर्क प्लस कर सकते हो, आपके ऊपर है। जब आप सर्टिफिकेशन करते हो ना, तो ये एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप एक स्ट्रीमलाइंड, आपका प्रॉपर स्टैंडर्ड कोर्स आप पढ़ पाते हो, मतलब जो चीज़ें पढ़नी है आपको वो आप सारी चीज़ें पढ़ते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी में क्या होता है ना, कभी कभी कि आप मतलब इररेगुलर हो जाते हो, मतलब कोई चीज़ जो पढ़नी है वो छोड़ देते हो, या जो नहीं पढ़नी है उसको पढ़ लेते हो, जो अननेसेसरी है। ये सब नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो नेटवर्किंग में, इंटरनेट में, और काफ़ी सारे हैं, ठीक है। और बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स में भी कुछ सर्टिफिकेशन है, जैसे COMTIA A+ वाले जैसे होते हैं ना, तो वो सब भी आप कर सकते हो। तो सर्टिफिकेशन करोगे ना, तो काफ़ी अच्छा आपका बेस क्लियर हो जाता है, और एक प्रॉपर रेज्यूमे में डालने के लिए भी हो जाता है कि हाँ मैंने ये किया है। अब ये नेटवर्किंग हो गई, इंटरनेट हो गया, आप, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने सीख लिया, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद आते हैं, आपको लिनक्स पढ़ना है, यहाँ पर भी चॉइस नहीं है। अगर आप हैकिंग कर रहे हो तो आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप लिनक्स के साथ एनकाउंटर हो गए ही हो गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरनेट पे जो सर्वर्स हैं, जो वर्क स्टेशंस हैं, वो सारे लिनक्स पे ही काम करते हैं। विंडोज़ होता है कंपनी के एनवायरमेंट के अंदर, लेकिन लिनक्स भी होता है, और आप मोस्ट ऑफ द अटैकिंग लिनक्स में ही करोगे। आपका जो सिस्टम होगा प्राइमरी सिस्टम हैकिंग में, आप अटैकिंग मशीन मोस्टली लिनक्स को ही बनाते हो, तो आपको विंडोज़ प्लस लिनक्स दोनों आना चाहिए। मैं लिनक्स के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि विंडोज़ सब यूज़ करते हैं, सबको पता है, लेकिन लिनक्स ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग, डेवलपर्स लोग यूज़ करते ज़्यादा। तो लिनक्स आपको आना चाहिए, प्रॉपर एक स्टडी करो लिनक्स का, कैसे काम करता है, उसको पूरा फाइल सिस्टम, जो शेल है, जो बैश है, जो पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, जो मेन जो फाइल्स हैं, जो डायरेक्टरीज हैं, रूट डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी, ये सारी जो होती है ना, पूरा एकदम ओवरऑल लिनक्स कैसे काम करता है, स्टैंडर्ड लिनक्स, मतलब जो ओरिजिनली लाइनस टोरवाल्ड्स ने बनाया था वो वाला। अभी जो नए नए डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए हैं, जो स्पेसिफिकेशन आ गए हैं, वो सब जरूरी नहीं है। आपको काम करना किसी एक पे काम करो, एकदम बिगनर लेवल का अगर आपको सीखना है, तो फॉर एग्जांपल Ubuntu है, सबसे सिंपल है, तो उस पर काम करो, उस पर सीखो, स्क्रिप्ट्स बनाओ आप, और एक्सप्लोर करो कैसे क्या फाइल सिस्टम है, कैसे पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटिंग्स चेंज करते हैं, कैसे बूट करते हैं, कैसे मतलब जो रिपोजिटरीज हैं कैसे काम करती हैं, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। और इसका भी सर्टिफिकेशन होता है, इसका सर्टिफिकेशन कर लोगे ना, काफ़ी बेस्ट है, फिर बहुत बेटर नॉलेज मिलेगी आपको। जैसे RFCSA, RFC ऐसे काफ़ी सारे होते हैं लिनक्स के भी, तो आप वो भी कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड कोर्स होता है वो कंप्लीट कर पाओ, इधर उधर भटको नहीं, बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो लिनक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप ये भी कर लेते हो, तो एक और रिक्वायरमेंट है,
ये ज़रूरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ। आपको काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपको ज़रूरत है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये जो फील्ड है ना हैकिंग, इसमें आप काफ़ी सारे चीज़ों में जा सकते हो, मतलब इसके अंदर भी काफ़ी सारी फील्ड्स है। ऐसा नहीं है कि हैकिंग सिर्फ एक फील्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ऐसा जितना लगता है उतना छोटा नहीं है। इसमें इसके अंदर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं, जैसे वेब हैकिंग हो गया, नेटवर्क हैकिंग हो गया, फॉरेंसिक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग अटैक्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं जिस पर आपको काम करना पड़ता है। तो सारे सॉफ्टवेयर्स हार्डवेयर्स अलग अलग लैंग्वेज में प्रोग्राम्ड होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। तो आपको इस फील्ड में ये फ़ायदा है कि आप सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ले लेते हो। ओवरऑल कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाता है आपको, तो ये फ़ायदा है इस फील्ड का, इसका फ़ायदा उठाओ। मतलब ये नहीं है कि आपको सारी लैंग्वेजेस पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर की कितनी लैंग्वेज है यार, कितना पढ़ते बैठोगे आप? आपको नहीं पढ़ना है आपको। मतलब बेसिकली नॉलेज किस किस की होनी चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। PHP का बेसिक वेब वाला उस पर बेस्ड है, SQL जो PHP के साथ काम करता है। फिर फ्रंट एंड में JavaScript बहुत इंपॉर्टेंट है, JavaScript पे बहुत सारे अटैक्स होते हैं और एकदम डिटेल में पढ़ लो, आपके ऊपर है। मतलब डिटेल में नहीं पढ़ना है तो चलो चलेगा, लेकिन फिर भी बेसिक लेवल आना चाहिए। HTML सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, HTML CSS एक साथ है, चलो। उसके बाद वेब में आते हैं तो आपका कभी कभी आप GraphQL के साथ काम करते हो, बैकएंड में जो भी आपको आना चाहिए आजकल अटैक्स निकलते हैं उसके ऊपर। वेब में JSON है, JSON आपको पढ़ना पड़ेगा, API वगैरह के साथ काम करना है, API हैकिंग में काम करना है, तो वो सब आना चाहिए। और फिर यही है, मतलब बेसिकली PHP आपको मेन काम आएगा। Python वेब में यूज़ होता है आजकल, Python भी, तो उसमें भी आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है तो Python भी आना चाहिए। Python के बारे में बाद में आता हूँ मैं, ठीक है। अब सिस्टम हैकिंग की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे C++, जावा। तो इनमें से कोई भी एक कर लो, मतलब कोई भी एक नहीं, इन तीनों को कर लोगे ना बेसिक लेवल पे, मतलब सिंटैक्स वगैरह मत जानो यार, मतलब जो प्रोग्रामिंग के एल्गोरिथम्स होते हैं ना, जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एकदम लॉजिकल कंसेप्ट्स हैं, इफ एल्स व्हाइल लूप्स, मतलब लूप्स वगैरह, या जो सिंटैक्स होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो प्रिंट स्टेटमेंट्स वगैरह होता है, ये सब जो प्रोग्रामिंग का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है सारे लैंग्वेजेस में सेम होता है। तो ये सब पढ़ना है आपको, पर्टिकुलरली सिंटैक्स एकदम डीप में नहीं, मतलब नहीं पढ़ना है। मतलब जो अटैक्स होते हैं, जैसे PHP में कुछ अटैक्स हैं, उन अटैक्स के बारे में पढ़ो कि वो किस सिंटैक्स को, किस फंक्शन को यूज़ करके होते हैं, तो उस फंक्शन के बारे में पढ़ो बस। फिर वो फंक्शन ढूंढो, उस एप्लीकेशन में अगर मिल गया तो बोल देना कि ये वल्नरेबल है, एक्सप्लॉइट कर देना पूछ के। और भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस हैं जो आपको आगे काम आएंगी, आप धीरे धीरे पढ़ोगे, जैसे असेंबली हो गया। फॉरेंसिक्स में जा रहे हो, रिवर्स इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो असेंबली आपको आना चाहिए। तो लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मास्टर करना है। ये सारे तो आपको बेसिक लेवल पे ओवरऑल नॉलेज होनी ही चाहिए सब में, अगर आपको एक अच्छा हैकर बनना है तो। लेकिन मास्टर इसलिए करना है ताकि आप खुद के स्क्रिप्ट्स बना पाओ। अब हैकिंग में क्या है ना कि आप टूल्स यूज़ करते हो दूसरों के, जैसे बर्ब स्वीट है, नेसस एंड मैप, इन सब के बारे में आपने सुना ही होगा। तो ये किसने बनाए? ये डेवलपर्स ने बनाए। आपको उनके टूल्स यूज़ करने से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन आप कुछ वेरिएशन बोल दो कि ये टूल में ये काम नहीं होता है तो ये कैसे करें इस टूल में, तो फिर आप कर नहीं पाओगे। इस टूल में नहीं हो रहा है तो आपको आता ही नहीं है करना। तो एक्चुअल में लॉजिकल हैकर नहीं हो आप, आपको बस टूल यूज़ करना आ गया, जो नॉर्मल बच्चे को भी आ जाएगा। उसको भी क्या, उसको भी लिनक्स का एक कमांड दे दो, वो सीख जाएगा, फिर ये भी टूल यूज़ कर लेगा। nmap IP दे दो, हो गया खत्म, वो भी हैक कर लिया। आप में और उसमें क्या डिफरेंस रहा? पर आपको ये डिफरेंस बनाना है कि आपको खुद से राइड करना आना चाहिए, खुद के टूल्स यूज़ करो, पता करो nmap कैसे काम करता है। तो खुद का nmap बनाओ, खुद का पोर्ट स्कैनर बनाओ, खुद का वल्नरेबिलिटी स्कैनर बनाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ अपने कॉलेज में, मेजर माइनर जो भी आप कर सकते हो। अच्छा आइडिया है ये, ठीक है। तो यही है कि आपको खुद से स्क्रिप्ट्स बनानी है, खुद के टूल्स यूज़ करना है, तो कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? बेसिकली तीन लैंग्वेज है आजकल जो काम में आ रही है, पाइथन, रूबी और पर्ल। इन तीनों में से कोई भी सीख सकते हो, लेकिन मैं, मतलब जो मोस्टली लोग हैं वो यही रेकमेंड करेंगे कि आप पाइथन पढ़ो। इसका सिंपल रीज़न ये है कि पाइथन हर जगह यूज़ होता है। अगर आप इस फील्ड में नहीं भी जा रहे हो तो भी आपको पाइथन हर जगह काम आएगा। पाइथन नासा में भी यूज़ होता है, यूट्यूब पर यूज़ होता है, हर मेजर साइट पर यूज़ होता है, फेसबुक में यूज़ होता है। और आप मशीन लर्निंग करते हो, डेटा साइंस करते हो, जनरल प्रोग्रामिंग करते हो, वेब डेवलपमेंट करते हो, एंड्रॉयड भी करते हो, हर चीज़ में पाइथन यूज़ होता है। तो बेस्ट है कि आप पाइथन सीखो, बहुत स्कोप है पाइथन का आगे चल के, और ईजी है सीखना एज कम्पेयर टू रूबी एंड पर्ल। तो पाइथन पे मास्टर कर लो एकदम अच्छे से, खुद के स्क्रिप्ट बना लोगे और पढ़ भी लोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं, इनके अलावा काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं,
जो मैं यहाँ पर बताने नहीं वाला हूँ वो ऑब्वियस ही हैं कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान दोगे तो आप वो भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया, जो पॉइंट्स मैंने बताया, बेसिकली चार पॉइंट्स बताया मैंने, पहला है कि आपको फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, दूसरा आपको नेटवर्किंग क्लियर करनी है, तीसरा आपको कोई लिनक्स का मतलब एक बेसिक लिनक्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए डिटेल में, चौथा है कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, रिकमेंडेड है। तो ये चारों चीज़ें कर लो, फिर आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो हैकिंग के बारे में पढ़ना। ऐसे एकदम जंप करोगे, स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एकदम नूब जीनियस बन जाओगे आप, नूब हैकर बन जाओगे। तो बस यही है इस वीडियो में, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा कैसे इसमें स्टार्ट करें, कैसे हैकिंग स्टार्ट करें, कैसे फील्ड में आगे बढ़ें। तो ये प्री रिक्विजिट्स थे हैकिंग के। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, कुछ मदद कर दें मेरी, ताकि सब्सक्राइब कर दें आप चैनल को। और बस यही है इस वीडियो में, आगे की वीडियोस के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।